वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई लगभग 20 दिन बाद आज व्लॉग बना रहे हैं, ठीक है, शूट कर रहे हैं। और अब जैसे जैसे ना 26 जनवरी आ रही है, हमारा जो रिपब्लिक डे आ रहा है ना, उस चीज़ को कवर करने के लिए थोड़ा रिसर्च पे है, थोड़ा हम घूम रहे हैं। तो अब ना अम्बेडकर म्यूज़ियम है जो कि दिल्ली में पड़ता है, वहाँ आए हैं। वहाँ आने का मकसद आपको पता ही है कि भाई जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे इतनी सारी चर्चा की, जो मतलब परमानेंट मेंबर थे, उनके म्यूज़ियम में आए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने के लिए बहुत चीज़ें मिलेंगी यहाँ। तो चलते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन बाद में देंगे, पहले एंट्री करते हैं। बाकी ये अपना मंडे को क्लोज रहता है और लोकेशन वगैरह भी सारी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और बहुत ही साफ़ सुथरा यार, अंदर एंट्री करते ही मज़ा आ गया। बाकी अब चलेंगे बिल्डिंग में। तो चलो होती हमारी, और ये कुछ हमारा अशोक स्तंभ जिसमें चारों शेर, और ये हमारी प्यारी सी बिल्डिंग, ये हमारा पार्किंग एरिया नीचे गाड़ियों का, और कैफेटेरिया वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है वहाँ पे। और ये हमारी खूबसूरत सी बिल्डिंग है, इसमें जाएंगे और बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। तो चलो है, और काफ़ी शानदार है, बिल्कुल साफ सुथरा, और अंबेडकर जी की हर एक चीज़ के बारे में बता रखा है इसमें। तो चलते हैं अभी, ये कुछ हमारा फर्स्ट सरफेस है म्यूज़ियम का, जैसे ये मूवी चल रही है अंबेडकर जी के ऊपर। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी जो स्टडी वो किया था उनके बारे में, और ये उनका कुछ लिखा रखा है। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने दाखिला लिया और भीमराव जी राम जी अम्बेडकर ने सफलतापूर्वक मैट्रिक पास किया। दादा कृष्णा जी अर्जुन काफ़ी बढ़िया म्यूज़ियम लगा, जो हमारे अम्बेडकर जी हैं उनके बारे में सारी चीज़ें हमें बढ़िया से बता रखी है A to Z। तो अभी पहले उसी पे ही हम, पहले मतलब फ्लोर पे, तो कर रहे हैं अभी पहले फ्लोर को कैप्चर, उसके बाद चलेंगे ऊपर है शायद या फिर नीचे होगा। भाई जितने भी है ना उनके नीचे सारी ये बता रखी है हमें इन्फॉर्मेशन, कैसे कैसे क्या क्या स्टार्ट था अम्बेडकर जी के बारे में। जल्दी आग आग दो। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे संविधान था उस पे साइन करते हुए और ये हमारे अम्बेडकर जी भाषण देते हुए मतलब कुछ ऐसा दिखा रखा है। ये 25 नवंबर 1949 का है। ये जैसे पीछे रेप्लिका और उसके बाद What must we do? जैसे देखो ये जो अंबेडकर जी की वॉइस थी शायद। We must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our. हमारा जो फर्स्ट वो था ना, क्या बोलते हैं, फर्स्ट जो फ्लोर था उस पर हमारा अंबेडकर जी के बारे में बता रखा था, कैसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन करवाए और जो जो भी किया। अब हम आए हैं सेकेंड जो मतलब जोन है जिसमें एग्जीबिशन है 22 से 27 तक, वो नीचे है, नीचे आए हैं। अब इसमें देखते हैं और क्या क्या बता रखा है उनके बारे में। और बढ़िया चीज़ है, जो मतलब जानना चाहता है ना अपने इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आना ज़रूरी यहाँ पे। 22 से लेकर 27 तक जो हमारे पंच तीर्थ, यहाँ से एंट्री स्टार्ट होती है। मेरे ख्याल नीचे भी होता था, जो नीचे बंद था। थक गया कि आजा खड़ो ले मेरे साथ, यादव मिल तो लो, यादव से हेलो कर दें, हेलो आदा। और ये वाला सीन ये अभी देखेंगे हम अंदर जाके। और जो यार ये वाली चीज़ बना रखी है ना,
ये जो रेप्लिका बहुत ओरिजिनल लगते हैं, क्यों लगा नहीं है, बिल्कुल सही ओरिजिनल बना रखे हो। तब करते हैं यहाँ से एंट्री, आजा। और ये तो पहला बेसमेंट। अच्छा, ये थोड़ी बहुत लिख रखी है इन्फॉर्मेशन, क्या करना है क्या नहीं करना। तो चलो, कैबिनेट इंडिया का प्रथम मंत्रिमंडल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जितने हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य थे, अपना चाचा नेहरू और फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, इन सब के बारे में फ़ोटोज़ हैं इनकी। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, उनके जो मेंबर्स हैं उनके बारे में लिख रखा है, न्यायपति माधवा राव, डीपी खाईतन जी, उन सब के बारे में। चलो ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन हाउस की प्रोसेस, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब अम्बेडकर जी के बारे में, ये हमारा कुछ सेकंड फ्लोर पे होगा, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उसके बाद कैलीग्राफी एंड आर्ट वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इसके बारे में भी कुछ बता रखा हमें। इंग्लिश में इंफॉर्मेशन लेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर उसके बाद प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, कॉरिडोर्स, प्रेसिडेंट के बारे में रीड कर लो। तो ने हिंदी में खोल दिया, लोकसभा पे कर दें, पढ़ने के लिए क्लिक करें। राष्ट्रपति देश के कार्यकारिणी प्रमुख और भारत के पहले नागरिक के रूप में गिने जाते हैं। बताओ, चलो हम अंबेडकर जी की सुनाते हैं, यहाँ से करते प्ले। सुनो ध्यान से। तो ये भी सुन सकते हैं हम, स्पेस उनकी पॉज कर देते हैं यहाँ से। अब चलते हैं आगे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड ओवर किया गया था, उनकी अभी आपको मैं एक रेप्लिका दिखाऊंगा, ठीक है? तो देख लेना। हम फर्स्ट राजा गोपालाचारी होंगे, फर्स्ट गवर्नर जनरल हमारे इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया। फिर हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी होंगे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होंगे, फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अंबेडकर जी होंगे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जी फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अंबेडकर जी के ऑफिस में एंट्री करते हुए, ये उनका डॉगी और ये कुछ उनका ऑफिस होता था, ये उनका शेरू और ये उनकी चेयर वगैरह, ऑफिस होता था ये इनका। और ये हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे। शन हॉल है, वहाँ चलते हैं, अपने शूज़ वगैरह यहीं उतारेंगे, और शायद सिर्फ थोड़े से एक सेकंड के लिए दिखा दूँगा आपको गौतम जो बुद्ध जी हैं उनकी जो एक बहुत प्यारा स्टैचू बना हुआ है, बस फिर बैठेंगे वहाँ। हम मेडिटेशन हॉल में बैठे थे, अभी यहाँ से निकल लेंगे। और जो अम्बेडकर जी की मतलब स्टैचू है ना, इतना प्यारा है, इतना प्यारा, अभी निकलते फिर बात करते हैं। ये अच्छा सा, जिसने भी कुछ खाना पीना हो ना, काफ़ी बढ़िया कैफेटेरिया हमारा, ये बैठ गया। तो अभी खा पी ले, फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से, ठीक है? ये हो गया। और ये देखो, जैसे ये हाथ बना रखे हैं, ध्यान नमस्कार कैसे करते हैं, करण अभय धर्म चक्र, एक सेपना वितर्क उत्तर बोधि। और ये हमारा कैफेटेरिया भी, और वॉशरूम भी यहीं पे है कैफेटेरिया के साथ ही हैं। तो ये हमारी अच्छी सी प्यारी सी बिल्डिंग, आप ऊपर चल के यहाँ इस साइड ना वो है, क्या बोलते हैं, फुहारे, तो वो और दिखाता हूँ आपको, बड़े शानदार, इतनी आवाज़ भी आ रही होगी पानी की। तो चलते हैं अब वहाँ, और ये 7 बजे तक खुला रहता है। ये हमारा अशोक स्तंभ है नहीं, पक्का देख का भी गालियाँ पड़े कि इतना भी नहीं पता, इतना बढ़िया हमारा वाटरफॉल कह रहा हूँ, फुहारे क्या बोलते हैं इसके, फाउंटेन। ये पीछे हमारा बोधि ट्री है,
तो ये हमारा लास्ट तक बिल्कुल बढ़िया है। हमारे गेट भी बना रखे हैं, दो गेट है, पता नहीं किस चीज़ के हैं ये। और रात को जलती है ना मैं लाइटिंग। अब ना घूम आए हम म्यूज़ियम, तो सबसे पहले ना इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। हमारा सबसे पहले तो ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसके बाद क्या सीन है कि भाई जो हमारा इसका विचार आया था ना 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल आया था एम एन रॉय जी के पास, उन्होंने सुझाव दिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उसके बाद इस पे 283 मेंबर्स की मतलब कमेटी बनी, मेंबर्स थे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में और उनके सिग्नेचर हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन पे। और ये हमारा 26 नवंबर 1949 को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे किया गया था अडॉप्ट, और 26 जनवरी इसको पूर्ण स्वराज कर दिया गया था, मतलब वो कर दिया गया था, इन यूज़ कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था, जिसे पूर्ण स्वराज भी कहा जाता है। और काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, बाकी तो नेट गूगल पे देखोगे ना बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए। और ये जो हमारा म्यूज़ियम है ना ये पड़ता है अपना नियरेस्ट म्यूजियम मेट्रो स्टेशन कौन सा है, विधानसभा, उससे ना वॉकिंग डिस्टेंस सिर्फ 5 मिनट का है, ऑटो वगैरह मत करो ना, 5 मिनट चलोगे और बिल्कुल सामने ही इसका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट ही है ना, लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा आपको गेट। और कॉस्ट बिल्कुल फ्री होता है, मतलब फ्री ही रहता है। और उसके बाद कैफेटेरिया, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है घूमने आने के लिए, कैफेटेरिया वगैरह वॉशरूम्स वगैरह सब साफ़ सुथरा है। और अपना मंडे को क्लोज रहता है ये, और टाइमिंग इसकी क्या है 10 बजे, हाँ 10 शायद है, 10 से 7 बजे तक, मतलब इससे पहले पहले आके अपना घूम जाना बढ़िया। और अब जैसे कि पता भी आप लोगों को 26 जनवरी आ रही है, तो अवेयरनेस फैलाओ कि हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है, जितना भी हमारे देश में लोगों ने इतना मतलब योगदान दिया ना आज़ाद करवाने के लिए, उनके लिए अवेयरनेस फैलाई जाए। हम भी यही काम करेंगे अब 6-7 दिन डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो बना के। तो अब व्लॉग को कर रहे हैं एंड, तो भाई व्लॉग को कर देना सबसे पहले, तो कोई भाई नया है ना चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू गाइज़।